इफ यू विल सी देम दे एक्चुअली लुक लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। देखो आलिया की परफॉर्मेंस का कोई बात ही नहीं कर सकते इस फिल्म के बारे में हम लोग। बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि अमिताभ बच्चन आ गए हैं। संजय दत्त, श्रीदेवी, अनुपम खेर का उसका कॉपी करने गए। I think it was a mind-blowing film. It was amazing. It was very engaging. I love Alia Bhatt personally, so I had to love the film. It's very amazing, very engaging. It will like keep you on your toes all the damn time. So I think it was very good. मैं फिल्म की बात करूँ तो आलिया वेदांग एक साथ नजर आ रहे थे, भाई बहन की केमिस्ट्री देखने को मिल रही थी, कैसा लगा? आई थिंक इट वॉज अमेजिंग केमिस्ट्री। आई डोंट थिंक सो कि इट वुड हैव बीन अ बेटर रोल फॉर वेदांग एंड आलिया इन द मूवी। दे कास्टेड परफेक्टली, लाइक यू इफ यू सी देम दे एक्चुअली लुक लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। सो आई थिंक द केमिस्ट्री वॉज अमेजिंग। अकॉर्डिंग टू यू ऑडियंस को ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए? आई फील लाइक इट इज़ अ ग्रेट मैसेज। इट्स लाइक दे आर ओवरकमिंग द पेट्रियार्की कि भाई ही बहन की रक्षा करता है, ऐसा हमेशा नहीं होता। इफ़ यू आर एन एल्डर सिस्टर तो यू वुड नो यू विल गो एनी लिमिट्स टू प्रोटेक्ट योर ब्रदर। सो आई थिंक इट्स अ वेरी माइंड ब्लोइंग मूवी। फिल्म की कौन सी पार्ट सबसे अच्छी लगी? आई थिंक लाइक सेकेंड पार्ट वॉज वेरी एंगेजिंग बिकॉज इट वॉज अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स एंड एवरी थिंग, सो इट वॉज वेरी अमेजिंग। आई लाइक सेकेंड पार्ट मोर। मैम कितनी रेटिंग देना चाहेंगे फाइव आपको? आई थिंक 4.5। कैसी लगी जिगरा? बहुत बढ़िया लगी। सब बढ़िया है, बहुत टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्म है, स्टोरी भी बहुत अच्छी है। मतलब ऐसा है कि बहुत अच्छा बजट एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ मिला है, तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकल के आया है जो सबको देखनी चाहिए। सब पहली बार आलिया एक्शन करते हुए नजर आई थी, हाउ इज़ आलिया भट्ट? बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। मतलब मैं तो उनका फ़ैन बहुत पहले, मतलब मैं टू स्टेट्स देखी थी तब से उनका फ़ैन हूँ। तो एक्शन नहीं किया था वही ना, एक्शन भी देख लिया तो बहुत बढ़िया थी। बहुत बढ़िया। इसकी स्टोरी लाइन आपको कैसी लगी? स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा उसमें इमोशनल हुक है, भाई बहन की कहानी है, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी लेकिन बहुत खतरनाक तरीके से दिखाई गई स्टोरी है। बहुत मजा आई, पैसा वसूल है। ऐसा फिर से दिलजीत और आलिया का आवाज सुनने को मिला था। हाँ, उड़ता पंजाब, ये इसमें गाने भी बहुत अच्छे हैं। वेदांग रैना जी के भी गाने बहुत अच्छे लगे मुझे, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, प्रेजेंस अच्छी है, बहुत अच्छी फिल्म है ओवरऑल। जी उनकी परफॉर्मेंस कैसी? बहुत अच्छी है, बेटर, मतलब अच्छी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। आज ना देखी है हर चीज़। सर कितनी रेटिंग देना चाहेंगे फाइव आपको? 4.5 दे दूँगा। सर आप बताइए आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी मैम। सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करें तो आलिया और वेदांग पहली बार एक साथ नज़र आ रहे हैं, वो परफॉर्मेंस उनकी कैसी लगी? बहुत अच्छी मैम, दोनों की बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, भाई बहन का रिश्ता बहुत। ऐसा लगा कहीं फिल्म बोरिंग लगी, कहीं ऐसा कुछ नहीं? एंगेजिंग है फिल्म पूरी पूरी, फर्स्ट हाफ भी सेकंड हाफ भी। सो कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 4.5। थैंक यू सो मच। स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, बहुत ही कमाल है, डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है, आलिया का कमाल है। वेदांग तो अच्छा एक्टर है ही, बट आलिया की ये जो फिल्म है मैं आपको बताऊँ मेरे को बहुत अच्छी लगी। इससे पहले मैंने बहुत कम फिल्में देखी है, लास्ट मुझे याद नहीं मैंने कौन सी फिल्में देखी उनकी, बट स्पेशली इनकी ये वाली फिल्म देखने के लिए मैं सुबह 10:30 बजे अपने दोस्तों के साथ आया। सर फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो पहली बार दोनों साथ में नजर आए भाई बहन के किरदार में, वो उन दोनों की परफॉर्मेंस कैसी लगी ऑन स्क्रीन? देखो आलिया की परफॉर्मेंस का कोई बात ही नहीं कर सकते इस फिल्म के बारे में हम लोग, तो अलग ही एक अलग लेवल पे है। बट वेदांग का बहुत अच्छा है, मैं वेदांग की पहली फिल्म देखा हूँ, शायद उसकी ये दूसरी फिल्म है, बट मैं उसकी पहली फिल्म देख रहा हूँ तो मुझे बहुत कमाल का एक्टर लगा, काफ़ी हैंडसम भी है। वेदांग की बात करते इसमें उन्होंने गाना भी गाया है, गाना बहुत कमाल का उनका। आलिया भट्ट का तो गाती अच्छा है, बट वेदांग का मैं पहली बार सुना हूँ तो उनका तो कमाल है। सॉन्ग कैसे लगे आपको पूरे फिल्म? मुझे तो पूरी फिल्म ही अच्छी लगी, सॉन्ग तो आप छोड़ दीजिए, मुझे तो सेकंड हाफ तो बहुत बहुत ही कमाल का। सर अगर फिल्म की बात करें तो कहीं ऐसा लगा कहीं बोरिंग लगा? कुछ बोरिंग नहीं लगा, मैं तो चाह रहा था और थोड़ा बढ़ जाए तो, लेकिन ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं अभी तो। सर कितनी रेटिंग देना चाहेंगे फाइव? मैं सबको 5 ही दे रहा हूँ, मैं कम नहीं दे सकता। अच्छी थी काजीगरा, काफ़ी अच्छी फिल्म थी, जो एक्सपेक्टेड था उससे तो काफ़ी अच्छा था। तो स्टोरी लाइन अच्छी थी, लाइक जो हमने ट्रेलर में देखा कि एक बहन भाई को प्रोटेक्ट करती है, अच्छा था वही, उसी के ऊपर आलिया भट्ट की फर्स्ट फुल ऑन एक्शन पैक फिल्म है। वेदांग की अगर फर्स्ट फिल्म की बात करें तो आर्ची दोनों उनमें उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, बट उनको स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं मिला था, तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छा स्क्रीन टाइम मिला और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया उसने। अच्छा था, लाइक जो टाइटल सॉन्ग था वो अच्छा था, और जो फूलों का तारों का सबका कहना है वो सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा था। 4। मैम कैसी लगी जिगरा? बहुत अच्छी फिल्म है, नया कॉन्सेप्ट है तो मुझे बहुत अच्छी लगी। सर फिल्म में पहली बार आलिया और वेदांग नजर आ रहे हैं, उनकी दोनों की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी?
आलिया और वेदान की परफॉर्मेंस की बात करें तो यस, तो मैंने जैसा कि कहा बहुत यूनिक है, बहन भाई को प्रोटेक्ट करती हुई नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा एक्शन मूड में दिखाई दे रही है। सो मुझे उन दोनों की जो बॉन्डिंग थी एक भाई बहन की बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगी और ऐसा लग रहा था सच में रियल लाइफ में वो दोनों भाई बहन हैं। या बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि अमिताभ बच्चन आ गए हैं। मुझे उनकी एक्शन बहुत अच्छी लगी स्पेशली। या अब बोरिंग थोड़ा स्टार्टिंग से थोड़ा आपको कंफ्यूजन लगता है कि यस कहानी क्या है जिनको नहीं पता है, बट यस मुझे ये मैंने ट्रेलर देखा था तो मुझे ट्रेलर और जिस तरीके से उन लोगों ने मार्केटिंग किया था तो मुझे अच्छा लगा था, पहले से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता था। सो दैट्स व्हाई मुझे सॉन्ग अच्छे हैं। पिक्चर अच्छी नहीं लगी, बुमराह पिक्चर पहले बनी थी संजय दत्त श्रीदेवी अनुपम खेर का, उसका कॉपी करने गए लेकिन उसमें ग्रीप थी, इसमें तो नाटक है सिर्फ, कुछ भी नहीं है पिक्चर। सर आलिया एक्शन करते हुए नजर आई थी। आलिया का ठीक है एक्शन अच्छा लगता है लेकिन वो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है, रियलिस्टिक नहीं लगता। सर पहली बार वेदांग और आलिया एक साथ नजर आए थे, भाई बहन की केमिस्ट्री दिखाई गई थी, हाउ इज इट? वो ठीक है, वो ठीक है। सर वीक क्या लगा आपको फुल पूरी मूवी में, स्टोरी आपको वीक लगी? नहीं नहीं ये कोई स्टोरी नहीं है, जेल को तोड़ दो ने ले आ, भाई बहन को ले आए ने। सर अगर फिल्म की बात करें तो डायरेक्शन कैसा लगा? डायरेक्शन वो बनाया है वैसा, कुछ दम नहीं है पिक्चर में, मेन अगर आपका स्टोरी में दम नहीं हो तो डायरेक्टर क्या करेगा। सॉन्ग कैसा लगा आपको? सॉन्ग बैकग्राउंड म्यूजिक बेकार है, कुछ भी नहीं है। सर कितने रेटिंग देना चाहेंगे? रेटिंग 2 बहुत हो गए भाई इसके। सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।